व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आया है कि नेहरू जी मुसलमान हैं? आया है कि नहीं आया है? आया है ना? यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो मैं यहां इतिहास की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। जब लोदियों का शासन था दिल्ली में, तो बाबर तोप लेकर के आया था। तकनीक नई थी और उस नई तकनीक के बदौलत बाबर ने लोदियों को हरा दिया और मुगल राज की स्थापना हो गई। मुगल का राज चलने लगा और बाद में जितने भी मुगल शासक हुए वो यहीं पर रहे, यहीं पे उन्होंने शादियां की और उनके बाल बच्चे जो हैं वो राज करने लगे। फिर अंग्रेज बंदूक लेकर के आए, मुगलों के राज को समाप्त किया और अंग्रेजों की राज जो है वो स्थापित हो गई। 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा हमारे ऊपर। और जब मैं पुनर्जागरण की धरती कहता हूं तो पुनर्जागरण की धरती कहने का क्या मतलब है? पुनर्जागरण की शुरुआत ईस्ट में बंगाल से हुआ और वेस्ट में महाराष्ट्र से हुआ था। इसीलिए जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बंगाल और महाराष्ट्र के लोग इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो फिर अंग्रेजों को उस राज को कौन सी तकनीक से समाप्त किया गया? गांधी जी के हाथ में बंदूक तो नहीं था। और आप यह जान लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह ने भी यह कहा कि क्रांति जो होती है, इनकलाब जो होता है, वो बम और पिस्तौल से नहीं आता है। कई बार आप लोगों के सामने यह मैसेज आया होगा कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो रही थी और गांधी जी ने कुछ नहीं किया। यह तमाम जो चीज है इसको हमको समझना पड़ेगा। जबकि शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने नहीं लिखा था। तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अंग्रेजों के 200 साल के राज को समाप्त किया? उस ताकत का नाम क्या था? उस ताकत का नाम था सत्य। इस बात को याद रखिएगा। और सत्य की ताकत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के आम लोगों को इकट्ठा करके, चंपारण जब गांधी गए थे तो किसानों का आंदोलन लड़ने के लिए गए थे, महिलाओं को जब इकट्ठा किया पिकेटिंग आंदोलन के लिए, शराबबंदी के लिए, तो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, दलित आंदोलन कर रहे थे, सेतकरी आंदोलन कर रहे थे, कामगारों का आंदोलन हो रहा था। और तमाम आंदोलनों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थी, बड़े बड़े जंगी जहाज थे, सत्य की ताकत से उसको परास्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिल गई। ये आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं, मैं कुछ उदाहरणों से इसको आपके सामने रख देता हूं। आपने देखा होगा कि लोग झांकी निकालते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से, उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना? पता है वो कहां रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो सेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी,
चलाकी कर रहे हो है? मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हमारा, आ कहानी अपना कर रहे हो। इस बेईमानी को आप समझिए। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। ये नया फैशन इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे इतिहास से ही, हमारे इतिहास को हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह आजादी हमको कैसे मिली, इस देश का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने, हम नागरिक हैं आज। आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र, कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना, ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी है तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए, आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह, उसका मुंह देखें, अजय शाह का है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया, तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आ हा हा हा, उनकी सूरत देख रहे हैं, इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए, बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारा खेल हम समझते हैं, और इसका खेल जानते हैं हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हम, हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं। हमने, और यह मैं पब्लिकली बोल रहा हूं आपके सामने, ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार,
और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया, और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए।